में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक को 6 महीने का वक्त पूरा हो गया और यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक को 6 महीने हो गए हैं। अब ट्रैक पर ट्रायल देने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का प्रयोग सफल तरीके से जारी है। लोग अब बिना डरे यहाँ ट्रायल दे रहे हैं और बड़ी संख्या में सफल भी हो रहे हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर सभी तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ ट्रायल देने से पहले लोगों को पूरी प्रक्रिया को समझाया जाता है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक शुरू होने से एक और जहाँ दलालों का हस्तक्षेप पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो वही अब उन्हीं लोगों के ही ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं जो वास्तविक रूप से गाड़ी चलाना जानते हैं। देखिए, राजस्थान में पहली बार जयपुर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक स्टार्ट हुआ और फरवरी माह में स्टार्ट हुआ था। लगभग 6 महीने इसमें हो गए हैं और 6 महीने में हमने देखा है कि लगभग 30,000 के लगभग लोगों ने ऑटोमेटिक ट्रैक पर ट्रायल दिया है, जिसमें 4-व्हीलर के और 2-व्हीलर के दोनों शामिल हैं। और जो लोगों में शुरू में डर था कि ऑटोमेटिक ट्रैक शुरू हुआ है और हम फेल हो जाएंगे, या तो वो भय निकला है। और इसमें हमारी जो सफलता है, करीब 90% के आसपास लोग इसमें पास हुए हैं बजाय फेल होने के। और एक बहुत अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हुआ है, जिससे कि बिना किसी व्यवधान के लोग आसानी से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को दिखा सकते हैं और अपना ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब दूसरे शहरों में भी इसी तरह की ट्रैक से ही ट्रायल लेने की तैयारियां तेज हो गई हैं। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी का पहले दिन से ही ये फोकस है कि जयपुर की तर्ज पर ही अन्य शहरों में भी जल्द से जल्द ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक शुरू किए जाए। हाल ही में परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने जोधपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का जायजा भी लिया है। जोधपुर समेत कई आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनकर तैयार हो चुके हैं। जल्द ही बाकी शहरों में भी इस प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी परिवहन विभाग कर रहा है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक रहा कामयाब। फरवरी में हुए 2,709 ट्रायल, 2,294 आवेदक हुए पास। मार्च में 4-व्हीलर के लिए हुए 4,166 ट्रायल, 381 आवेदक हुए फेल, 3,785 हुए पास। मार्च में 2-व्हीलर के लिए हुए 4,009 ट्रायल, 3,946 हुए पास, 63 आवेदक फेल। अप्रैल में 4-व्हीलर के लिए 1,863 आवेदन, 1,716 आवेदक पास, 147 आवेदक फेल। 2-व्हीलर के लिए 1,815 आवेदकों ने ट्रायल दिया, 1,777 आवेदक फेल और 38 हुए पास। मई में लॉकडाउन की वजह से बंद रहा ट्रायल। जून में 4-व्हीलर के लिए 1,295 आवेदकों ने ट्रायल दिया, 1,172 आवेदक पास हुए, वही 123 आवेदक फेल। 2-व्हीलर के लिए 1,252 आवेदकों ने ट्रायल दिया, 180 फेल हुए। जुलाई में 4-व्हीलर के लिए 4,681 आवेदन, 4,403 आवेदक पास, 2-व्हीलर के लिए 4,404 ट्रायल हुए, 4,343 आवेदक पास हुए और 62 आवेदक फेल। 6 महीने में कुल 28,833 ट्रायल हुए, जिसमें से 27,261 आवेदक पास हुए और 2,572 आवेदक फेल। एक ऐसा समय भी था जब जयपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक की शुरुआत करना असंभव लगता था। उसका कारण था दलालों द्वारा प्रायोजित विरोध और लोगों में व्याप्त डर। लेकिन परिवहन विभाग की लगातार कोशिशों के बाद जयपुर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का संचालन सफल साबित हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाकी शहरों में भी ऐसे ही कामयाबी मिलेगी। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।